अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उबैदुल्ला फ्रॉम पाकिस्तान न्यूज़। और आज हम उसी सीरीज़ के हवाले से आए हैं जो हमने निशान हैदर की एक सीरीज शुरू की थी। दोस्तों, दुनिया की हर कौम मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खराज तहसीन अदा करने के लिए इन्हें एजाजात से नवाजती और इनामात से सरफराज करती है। चनाचा हमारे मुल्क में भी इन मुजाहिदीन के लिए जो मैदान जंग में मिसाली जात का मुजाहरा करते हैं, बहुत से एजाजात और तगमे मुकर्रर किए गए हैं। सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर है जो अब तक इन 10 फौजी मुजाहिदीन को दिया गया है, जिन्होंने गैर मामूली जुर्रत और मर्दानगी का मुजाहरा करते हुए जाम शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। 20वीं सदी के आखिरी महीनों में हमारे बहादुर मुजाहिदीन ने मार्का कारगिल में भारतीय फौजी ताकत का भरपूर तोड़ कर रख दिया। कारगिल के 17-18 हज़ार फुट बुलंद चोटियों पर सारा साल बर्फ जमी रहती है। हमारे मुजाहिदीन ने इन चोटियों पर मोर्चे कायम किए। इस मई में जिन सरफरोशी ने बेमिसाल कारनामे अंजाम दिए, इनमें से एक 29 साल जवान कैप्टन कर्नल शेर खान है जो जिला स्वाबी के रहने वाले थे। इनकी हौसला मंदी और बहादुरी देखकर इनके दादा इन्हें कर्नल शेर खान कहकर पुकारते थे, जो सफाती एतबार से इनके शायाने शान था। कर्नल इनका सरकारी ओहदा नहीं बल्कि इनके नाम का हिस्सा था। मार्का कारगिल से कबर कर्नल शेर खान ने गलतरी में 15 से 17 हज़ार फुट बुलंद बर्फ पोश चोटियों पर 5 फौजी चौकियां कायम की। इन चौकियों से भारतीय फौज की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सकती थी। मुजाहिदीन ने यहां से ठीक निशाने लगाकर दुश्मन को न सिर्फ खासा जानी नुकसान पहुंचाया बल्कि रसद का रास्ता भी बंद कर दिया। इन चौकियों के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कैप्टन कर्नल शेर खान ने मरकजी किरदार अदा किया। 7 और 8 जून 1999 की दरमियानी शब दुश्मन की एक बटालियन ने कैप्टन कर्नल शेर खान की पोस्ट की पिछली जानब राजमान होने की कोशिश की। उन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों को बांप कर मौसर नाकाबंदी की, जिसके नतीजे में दुश्मन को भारी नुकसान उठाकर राय फरार अख्तियार करनी पड़ी। 8 जून को हमारे इस माया नाज मुजाहिद की अकाबी निगाहों से अंदाजा लगाया कि दुश्मन फुर्तीली चट्टानों के पीछे छुपा हुआ है और ताज़ा कमक का इंतजाम कर रहा है। कैप्टन कर्नल शेर खान ने फौरन अपने जवानों पर मुश्तमिल एक लड़ाका गश्त तरबियत दी और ख़ुद इसकी क्यादत संभाल ली। रात के वक्त जब दुश्मन हमले की तैयारियों में मसरूफ था, कैप्टन कर्नल शेर खान ने इस लड़ाका गश्त के हमरा छापा मारकर दुश्मन के सफों में तहलका मचा दिया और देखते ही देखते इसके 40 सिपाही ढेर कर दिए। 5 जुलाई को जख्म खुर्द दुश्मन ने 2 बटालियन की नफरी से कर्नल शेर खान की पोस्ट पर कई अतराफ से ज़बरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन के तोपखाने ने 12,500 गोले बरसाए। इस दौरान में दुश्मन ने कैप्टन कर्नल शेर खान की पोस्ट का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। शेर खान के लिए यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पाक फौज का ये जंबाज सपूत बड़ी मुठ्ठी सिपाहियों के हमरा जवाबी हमला करने के लिए बिजली बनकर टूट पड़ा और न सिर्फ अपने खोए हुए इलाके को पर दोबारा कब्जा कर लिया बल्कि दुश्मन को 300 लाशें छोड़कर मैदान जंग से पसपा होना पड़ा। इस जबरदस्त मार्के में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जख्मी हो गए और गहरे जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपनी जीती हुई चौकी पर जाम शहादत नोश किया।